असलम गाइज इंट्रोडक्शन टू लॉजिक से रिलेटेड ये हमारा लेक्चर टेंथ है और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का एक टेबल जिसको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारे पास सबसे पहले जो कॉलम है वो है प्रोपोजिशन फॉर्म का इट्स मेन इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन जो मैंने आपको बताया था कि काइंडस ऑफ प्रोपोजिशन होती हैं अफर्मेटिव होती है पर्टिकुलर फॉर्मेटिव उन सबको हम डिस्कस करेंगे इसमें सबसे फर्स्ट वन जो हम और सेकेंड पर हमारा आ जाता है नेम एंड टाइप हम डिस्कस करेंगे और उसके एक एग्जाम्पल के साथ सबसे पहले जो प्रोपोजिशन आती है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन उसको वो है ऑल एस इज पी और हमें देखना है कि ये जो प्रोपोजिशन है ये किस टाइप की है मतलब इसका नेम क्या है ये जो फर्स्ट वन प्रोपोजिशन है इसको हम ए प्रोपोजिशन भी बोलते हैं और इसकी जो टाइप है ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है इट इज़ यूनिवर्सल एंड वाई इट इज़ अफर्मेटिव इसमें वर्ड ऑल यूज़ हुआ है इट्स मीन ऑल इज़ यूनिवर्सल एंड इसमें कोई नोट का नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं हुआ ये पॉजिटिव है इट्स मीन इट इज़ अफर्मेटिव ठीक है इस तरह से हम देखते हैं कि ये यूनिवर्सल है या अफॉर्मेटिव है किसी भी प्रोपोजिशन को और इसकी एक एग्जांपल की बात करें तो प्रीवियस एग्जांपल्स में मैंने आपको पॉलिटिशियंस और लायर की एग्जांपल बताई हैं तो उसी को हम डिस्कस करते हैं कि ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर ये कौन सी है यूनिवर्सल अफॉर्मेटिव है और प्रोपोजिशन को हम बोलते हैं ए प्रोपोजिशन अगर एग्जामिनर हमसे ए प्रोपोजिशन के बारे में पूछता है कि प्रोपोजिशन कौन सी होती है या वो ये पूछे कि ए प्रोपोजिशन के, के कोई एग्जाम्पल लिखे तो हमें पता होना चाहिए कि जो ए प्रोपोजिशन है वो यूनिवर्सलटिव प्रोपोजिशन है एंड द नेक्स्ट इज द नो एस इज पी दिस इज द यूनिवर्सल नेगेटिव यूनिवर्सल बिकॉज नो वर्ड इज फॉर यूनिवर्सल एंड नो वर्ड इज फॉर ऑल्सो फॉर नेगेटिव और इस प्रोपोजिशन को हम ई e प्रोपोजिशन भी बोलते हैं और इसकी एक एग्जाम्पल है जो कि नो पोलिटिशन आर लॉयर्स दिस टाइप ऑफ प्रोपोजिशन को हम ई e प्रोपोजिशन बोलते हैं जो कि यूनिवर्सल और नेगेटिव है यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि नो no का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है और नेगेटिव सॉरी हाँ यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि नो no, आल और नो के लिए यूनिवर्सल होती है अफॉर्मेटिव पॉजिटिव के लिए होती है और नेगेटिव नो नो का मतलब नेगेटिव भी होता है इसलिए दिस इज़ द यूनिवर्सल एंड नेगेटिव एंड द थर्ड वन इज़ द सम एस इज़ पी द सम इज़ पर्टिकुलर एंड इज़ इस वर्ड वोज इट्स मीन इट इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज द पर्टिकुलर पर्टिकुलर है और इसको हम आई प्रोपोजिशन भी बोलते हैं इसका तो दूसरा नाम है उसको हम आई प्रोपोजिशन बोलते हैं एंड इस एग्जाम्पल की बात करें तो सम पॉलिटिशन आर लायर्स मीन कुछ पॉलिटिशन जो होते हैं वो लायर्स होते हैं सम इज द पर्टिकुलर एंड दिस इज द पॉजिटिव अफर्मेटिव पॉजिटिव को अफॉर्मेटिव बोलते हैं तो ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव हो गई हमारे पास और इसको हम आई प्रोपोजिशन बोलते हैं एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द सम एस इज नॉट पी दर्ड सम इंडिकेट्स द पर्टिकुलर एंड द नॉट इंडिकेट्स द नेगेटिव प्रोपोजिशन सो दिस इज द पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन इसके टाइप कौन सी है पर्टिकुलर नेगेटिव बिकॉज सम इंडिकेट द पर्टिकुलर एंड नॉट इंडिकेट द नेगेटिव एंड दिस टाइप ऑफ प्रोपोजिशंस को हम ओ प्रोपोजिशन भी बोलते हैं और इसकी एग्जाम्पल है सम पोलिटिशन आर नॉट लॉयर्स मीन कुछ पॉलिटिशन जो होते हैं वो लॉयर्स नहीं होते हैं एंड सम मीन्स द पर्टिकुलर एंड नॉट मीन द नेगेटिव एंड ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन प्रोपोजीशंस को काइंड ऑफ प्रोपोजिशन को हम ए ई आई ओ भी बोलते हैं ए यूनिवर्सल अफॉमेटिव को बोलते हैं ई यूनिवर्सल नेगेटिव को बोलते हैं आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव को बोलते हैं ओ पर्टिकुलर नेगेटिव को बोलते हैं अगर किसी भी टाइप की हमें कोई भी प्रोपोजिशन दी गई हो या कुछ कोई एग्जाम्पल दी गई हो तो हमें पता लग जाता है उसको देखकर कि क्या ये यूनिवर्सल अफॉर्मेटिव है यूनिवर्सल नेगेटिव है पर्टिकुलर फॉर्मेटिव है या पर्टिकुलर नेगेटिव है तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि यूनिवर्सल अफॉर्मेटिव है या यूनिवर्सल नेगेटिव है या पर्टिकुलर फॉर्मेटिव है या पर्टिकुलर नेगेटिव है तो हमें ऑटोमेटिक